सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो। अपनी तोड़ साले का मार दे। अरे भाई क्या हो गया? मैं जानता हूँ कि मैं रेटका की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हूँ, सो फ्रेंड मैं आप लोगों से सॉरी मांगना चाहता हूँ। और मैं इतना ज़्यादा लेट इसीलिए ही हूँ क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है रेटका की वीडियोस बनाने में, और मुझे हर एक एपिसोड की एक एक चीज़ डिकोड करनी पड़ती है, तब जाके मुझे उस चीज़ का मतलब पता चलता है। और गाइस ऐसा नहीं है कि गूगल पे मैंने कोई भी क्वेश्चन सर्च मारा रेटका का और मुझे उसका आंसर मिल गया, नहीं गाइस, मुझे एक एक चीज़ डिकोड करनी पड़ती है तब जाके मुझे उसका आंसर मिलता है। बट गाइस मैं आपसे आज वादा करता हूँ कि मैं हर हफ्ते रेटका की एक ना एक वीडियो ला के रहूँगा और आप लोगों को एंटरटेन करके रहूँगा। सो फ्रेंड्स वेट फॉर इट, और आज की इस वीडियो में हम सात सबसे शक्तिशाली कायरो योद्धा को जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स में हम कायरो मास्टर्स को नहीं लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बेटा मत कहना कि तुमने मास्टर बोडाई को क्यों नहीं लिया। और राइट गाइज, फैन मेड है, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये कोई ऑफिशियल नहीं है। और गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 7 ज़ाइलस। ज़ाइलस बैटाकोर की टीम का एक लीडर है। ज़ाइलस बहुत ज़्यादा फास्ट है और इसका सिग्नेचर मॉन्स्टर है मैगनॉक, और मैगनॉक बहुत ज़्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल ज़ाइलस की तरह, लेकिन ज़ाइलस की बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ भी हैं। पहले तो जैसा कि मैंने कहा कि ज़ाइलस बहुत ज़्यादा फास्ट है पर लेकिन ये अपनी स्पीड पे कंट्रोल नहीं कर सकता, और दूसरी बात ये बहुत घमंडी है और अपने घमंड के कारण इसने सबसे मात खाई है, और जहाँ तक इसने ई टीन्स तक से भी मात खाई है, सो इसीलिए मैंने इसे नंबर 7 पे रखा है। दिमाग काम आता है उतना नहीं जितना तुम्हें ये सबक पसंद आएगा कि बल से छल ही काम आता है। मैग्नॉक नंबर 6 प्रिंसेस डीआरा। जी हाँ, प्रिंसेस अपने किंगडम की एक क्वीन है और ये ई टीन्स की टीम की एक लीडर भी है, या फिर सीधा सीधा कहूँ तो सिवा अपने भाई बहन की टीम की लीडर है क्योंकि उससे छोटे इसीलिए। और जो प्रिंसेस का सिग्नेचर मॉन्स्टर है नाइट एक्स बहुत ज़्यादा डेंजरस लगता है, और ये एक स्नेक टाइप्स की स्पीसीज का है, और इस मॉन्स्टर के रेड अटैक्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, और अटैक्स को डेजर्ट में बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, और इसलिए मैंने इसे नंबर 6 पर रखा है। और इसकी जो कमज़ोरियाँ हैं यही है कि जो प्रिंसेस है वो बहुत ज़्यादा घमंडी है, और इसने काफ़ी बार टीम स्टैक से मात भी खाई है, और जो इसका सिग्नेचर मॉन्स्टर है नाइट एक्स वो तो भाई ज़्यादातर सभी मॉन्स्टर से हारा ही है। लेकिन सही मॉन्स्टर चुनने के भी अपने फायदे होते हैं, जैसे कि लावा से इम्यूनिटी या फिर ये फोल्डर टॉस। नंबर 5 इक्योन। इक्योन सबसे क्लेवर और कूल करेक्टर आए पूरी रेटका की हिस्ट्री का, जो कि अकेले काम करना पसंद करता है, और इसका सिग्नेचर मॉन्स्टर है स्टैटिक कोर जो एक इलेक्ट्रिक टाइप है, और बहुत ज़्यादा बैडेस और पावरफुल कायरो मॉन्स्टर है, और स्टैटिक कोर ने आराम से पूरी ई टीम्स को बहुत बहुत गंदी तरीके से हराया है, और हमारे टीम स्टैक्स की मदद भी की है, और इसके अलावा इक्योन बहुत पीसफुल पर्सन और काइंड नेचर का है, और इक्योन ने बहुत बार हमारे हीरोज की हेल्प भी की है, और इक्योन मास्टर एटॉक का एक स्टूडेंट भी है। अपनी इसी काइंडनेस और स्ट्रॉन्गेस्ट कायरो मॉन्स्टर के साथ इक्योन नंबर 5 पे जगह बनाता है। असल इसी वजह से हम मिले, मैं 12 साल का था और जंगल में भटक रहा था। डरने की जरूरत नहीं है बच्चे, मैं एक योद्धा चेले की तलाश कर रहा हूँ। कायरो ने मुझे तुम तक पहुँचाया है। उस दिन से पहले कुछ भी याद नहीं, माँ क्या कर रहा था या मेरे पेरेंट्स का क्या हुआ, पर तभी से मास्टर एटॉक ही मेरी फैमिली और मेरे कायरो के टीचर बने हुए हैं।
उनके मुताबिक मैं उन्होंने बनाए हुए योद्धाओं में से सबसे बेहतर योद्धा हूँ और मैंने सबसे ज्यादा कायरो इकट्ठी की है। नंबर 4 बूमर। अभी से कौन नहीं जानता, बहुत दयालु है, सभी बच्चे इसे पसंद करते हैं और ये हट्टा कट्टा भी है। इसका सिग्नेचर मॉन्स्टर है फ्रॉस्टक जो कि एक आइस टाइप है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसका प्लेटिनम रूप भी है यानी कि प्लेटिनम फ्रॉस्टक जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अपने मॉन्स्टर के भी बिना बूमर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अपने इन्हीं सभी खूबियों से बूमर नंबर 4 पे डिजर्व करता है। शायद इसके साथ कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी। सोलर विंड ब्लास्ट। बढ़िया। नंबर 3 माया। माया बहुत शांत और पीसफुल नेचर की करैक्टर है और ये फिजिकल एक्टिविटीज में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है पर लेकिन पावर्स के मामले में माया थोड़ी सी वीक है पर लेकिन जब ये अपने सिग्नेचर मॉन्स्टर यानी कि हेरियन में कन्वर्ट होती है तो पावर्स को देखकर सिर्फ एक ही डायलॉग याद आता है। तो फ्रेंड्स हेरियर एक फ्लाइंग टाइप है और आल्सो एक प्लेटिनम रूप भी है यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और हेरियर के बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक्स हैं। मुझे पर्सनली ये रेड अटैक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइटनिंग थंडर जो कि आसमान में बिजली ला सकता है। सो फ्रेंड्स इन्हीं सब बलबूते पर आया नंबर 3 पे आती है। क्या बात है, माया कमाल कर दिया। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? बहुत बढ़िया। प्लैटिनम हैरियर। नंबर 2 ज़ेन। व्हाट? हाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने हीरोज को इतना नीचे रखा है और इसे इतना ऊपर क्यों? सो फ्रेंड्स इसका आंसर यही है कि ज़ेन इन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप लोगों को ये गलत लग रहा है सो फ्रेंड्स मत बोलो कि ज़ेन ने क्या क्या किया है अपनी पावर्स के साथ। ज़ेन ने मास्टर बोडाई तक को हराया है और लोकर का एक्सीडेटर तक यूज़ किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बंदा नंबर 2 पे क्यों आता है और ज़ेन से आज तक कोई भी अकेले नहीं जीत पाया सिर्फ एक करैक्टर के बगैर जो कि नंबर 1 पे है। ज़ेन बहुत ज़्यादा घमंडी है और बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और राज करना चाहता है, जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसको ख़त्म करना चाहता है। ज़ेन का सिग्नेचर मॉन्स्टर है ब्रूटोकॉर। सो या जो म्यूटोटॉर है वो 2 टाइप्स का है, एक है ग्रीन टाइप और एक है रेड टाइप। रेड टाइप इवॉल्व वर्जन है तो मैं उसे ही लेने वाला हूँ। जो रेड म्यूटोटॉर है वो बहुत ज़्यादा बैड है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसके पास लोकर के भी बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक्स हैं। सो फ्रेंड्स इसी कारण ये नंबर 2 पे आता है। Consider this my acceptance. नंबर 1 काय। इसमें कोई शक नहीं है कि काय नंबर 1 पे जगह बनाता है। काय टीम स्टैक्स का लीडर है और काय ही है जिसने पहली बार गोल्ड मेडल अनलॉक करा था और काय ही है जो कि 2 बार कायरू चैंपियन बन चुका है और काय ही है जिसने पहली बार प्लेटिनम मॉन्स्टर हासिल किया कायरू चैंपियनशिप की और सबकी चाहत मगर मुश्किल से मिलने वाला प्लेटिनम मेटानॉइड। ओह ये तो कमाल हो गया, शुक्रिया मास्टर। और काय ही है जिसने अपने प्लेटिनम मेटानॉइड की मदद से लोकर को हराया और काय ही है जो कि ज़ेन को बहुत बार हरा चुका है और ज़ेन से कभी नहीं हारा और काय ही है जो कि बहुत बार अपने लिमिट्स को क्रॉस कर चुका है। को काई एक ऐसा अकेला योद्धा है जो कि प्रिज्म कायरो को लेकर आया है और घटिया घिनौने शैतान को खत्म किया है। अबे साले काई का मॉन्स्टर मेटानॉइड या फिर कहीं उसका फेवरेट मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। मेटानॉइड के भी काफी ज्यादा रूप हैं, एक है ब्लू मेटानॉइड, गोल्ड मेटानॉइड और प्लेटिनम मेटानॉइड और तीनों मेटानॉइड्स एक से बढ़कर एक है पर लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल है प्लेटिनम मेटानॉइड जिसने लोकर तक को हराया है और प्रिज्म कायरो को लेकर आया है और बस नहीं, योद्धा बनने का वक्त बस अभी शुरू हुआ है। हमारी कायरु शक्ति और भी शक्तिशाली बन गई है लोकार। काय प्लैटिनम मेटानॉइड।
और वार्ड गाइस सो दैट्स ऑल ऑफ द वीडियो गाइस। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सो गाइस मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना है गाइस अपने दोस्तों के साथ, शेयर करने के बाद सब्सक्राइब मार देना है, सब्सक्राइब मारने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है, कमेंट में बता देना है गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी और आप अगली वीडियो किस पे देखना चाहते हैं। और गाइस जैसे आपको पता है कि मैं हर हफ्ते रेड का वीडियो अपलोड करने वाला हूं, सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए गुड।